तो आज हम देख रहे हैं कि इस तरह का पोस्टर हम किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए हमें एक साइज़ लेना न्यू में जाके, जो कि यूएस पेपर में होगा लेटर, यानी कि A4 साइज़ का। उसके बाद 8.5x11 इसका साइज़ होगा, 300 की रेजोल्यूशन पर रख लें, इसको ओके कर दें, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दें, या फिर यहाँ डबल क्लिक करके ओके कर दें, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दें, डॉक्यूमेंट्स में चले जाएँ और यहाँ से क्लिक करके PS फाइल्स में जाके और उसको हम सेव कर देते हैं हॉरिजॉन के फोल्डर के अंदर। और इसका नाम हम रख लेते हैं क्लास हमारी होगी है तकरीबन ऑलमोस्ट 13, 14, 17 हो चुकी हैं, 18वीं क्लास होगी है, क्लास 18 A4 साइज पोस्टर, ठीक है, ओके कर देते हैं। पोस्टर पोस्ट जो भी कह लें इसको। अब ये यहाँ पे हमारे पास बराबर में हमने खोल रखा है इसको, ठीक है, और यहाँ से हमने खोल के सामने रखा हुआ है। इसकी मैं एक PNG फाइल बना देता हूँ, सेव एज करके यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसकी एक PNG फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, यहाँ से हम PS असाइनमेंट्स पे क्लिक करते हैं, PS फाइल्स, PS असाइनमेंट्स, और उसमें जाके हम इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे PS03 क्लास NAH पोस्टर, ठीक है, और उसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से सेव हो जाएगा। अब हमें आसानी ये रहेगी इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं या डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं, और जहाँ पे हमने इसको सेव किया है वहाँ पे जाके हम देख लेते हैं PS असाइनमेंट्स के अंदर, यहाँ पर ये हमें दिखाई देगा ये इस तरह से। तो पहले हम इसका आज थोड़ा ऊपर वाला हिस्से की काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे होगा काम। सबसे पहले तो देखें कि हमें इसके ऊपर एक बॉर्डर भी लगाना है यहाँ पर, और इसके अंदर एक फ्रेम के अंदर पिक्चर लगानी है, उस पर कुछ ये काम करना है इस तरह का, कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस पोस्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। रूलर कंट्रोल R से ये रूलर एक्टिवेट होता है, इसको हमने ले लिया कि ये हिस्से पे हमने आपने पोस्टर का काम करना है, बाकी नीचे टेक्स्ट रखना है। तो ये एक गाइडलाइन लगाई है मैंने ताकि मुझे आइडिया रहेगा कि इससे नीचे मुझे फिलहाल काम नहीं करना है। तो ये यहाँ पे खुला हुआ है यहाँ पे, तो गाइडलाइन लगाने के बाद हमने ये काम सेटअप कर लिया। उसके बाद मूव टूल लेके गाइडलाइन को जब चाहे आप मूव कर सकते हैं इस तरह से ऊपर नीचे जहाँ चाहे। अच्छा, उसके बाद जो है आपने इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर शेड लगाना है, जैसे येलो शेड के साथ है तो यहाँ पे ग्रेडियंट लेके आपने येलो के साथ एक शेड बना लेना है। ये लिया आपने यहाँ पे और इसको साथ क्लिक करके यहाँ पे येलो कलर लिया यहाँ से, और यहाँ से एक येलो कलर लेके यहाँ से क्लिक किया, आई थिंक सो ये, ठीक है, तो यहाँ से कलर ले लिया और येलो के साथ हमने मिक्स कर दिया इसके साथ वाइट कलर, और यहाँ से क्लिक करके हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये येलो से वाइट जा रहा है, अगर ऊपर से करेंगे इस तरह से तो ये येलो से वाइट हो जाएगा ऊपर की तरफ, वाइट नीचे येलो कलर आ जाएगा। कोई और कलर स्किप भी यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कि एक पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर आपने कंट्रोल ओ करना है, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर जो आप इस पर लगाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की पिक्चर जो आपके पास होनी चाहिए, या तो फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, जैसे ये पिक्चर देखें, ये पिक्चर देखें, और मेरे पास एक और पिक्चर भी इससे रिलेटेड जो कंप्यूटर पे काम करने से रिलेटेड है, वो कुछ इस तरह की पिक्चर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये पिक्चर भी लगा सकते हैं, ये पिक्चर भी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो ये देखें, ये पिक्चर भी ज़रा बेहतर है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से खींच के बड़ा करेंगे, फ्रेम के अंदर आ जाए ताकि ये, और फिर फ्रेम में आने के बाद ये पूरी तरीके से फ्रेम के अंदर इस तरह से आ जाएगी। तो हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर है तो इसको हम थोड़ा सा ऑल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा कम कर लेते हैं, और ये इस तरह से पिक्चर आके लग गई। अब मुझे अगर पिक्चर में लड़की बिल्कुल सेंटर में आ रही है, अगर इसको थोड़ा सा आगे करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, और अगर इसको इस साइड पे करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। फिर क्या करूँगा अगर इस साइड पे करना है मुझे, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, इस पिक्चर को थोड़ा सा और इनलार्ज करना पड़ेगा ताकि ये इस तरीके से आ जाए इधर, और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ मामला बेहतर रख रहा है, मुझे क्लिक कर दें, अप्लाई कर दें, तो ये देखिए इस तरह से मामला था आपके सेट हो जाएंगे। कंट्रोल एस करके अपनी फाइल को सेव कर दें, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये इस तरह का ही मामला हमने इस पर रखा हुआ था, इस पर राइट साइड पर रखा था, इसको लेफ्ट साइड पर रख दिया। अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई ये एडमिशन ओपन लिखना है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अगर कुछ इसके ऊपर एक शेप बनाना है तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लेके इस पर ये शेप हमने बना दिया। अब यहाँ पर हमने इसके शेप के अंदर लिखा और उसमें हमने लिख दिया एडमिशन ओपन, तो इसके फेस को हम थोड़ा सा छुपा नहीं रहे टेक्स्ट से ताकि सामने ही रहे, डबल क्लिक कर दिया और उसके अंदर हमने ये ब्लैक कलर डाल दिया, ओके कर दिया, आई थिंक सो शेप से कलर आउटलाइन पर लग गया, ये शेप से अंदर की साइड पर कलर कर दे रहा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से ये कलर इसके ऊपर लगाया और इसके बाद इसमें हमने लिखना है एडमिशन 2000 एडमिशन ओपन, तो यहाँ पर क्लिक करके पहले हम इसका ज़रा टेक्स्ट का मामला बाद में करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडमिशन और ओपन, ठीक है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखना है, इदारे का नाम लिखना है, कंप्यूटर तो यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज टू बी कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिख देते हैं डिजिटल
टेक्स्ट टेक्स्ट अभी फिलहाल नहीं लिख रहे, ठीक है, तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। नीचे अब क्या प्रोग्राम हम तश्कील दे रहे हैं, इसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स आपने इसके अंदर लिखने हैं, तो इसके लिए ये शेप्स आपने क्रिएट करने हैं। तो ये शेप आपको मिल जाएंगे थोड़े से यहीं पर ही मिलेगा, यहाँ पे एक शेप ले लेना है आपने राउंडेड रेक्टेंगल के साथ, और इसके 25 पिक्सल का है, तो मैं ज़रा इसको बढ़ा के थोड़ा 40 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और इसको यहाँ से 40 पिक्सल करके इसको यहाँ पे एक शेप मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये शेप के अंदर जो लिखना है वो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और ये बना दिया, एक शेप यहाँ पर आ गया। अब इस शेप के साथ मुझे करना ये है कि जो ये बन के आया है इसका जो फिल है वो मुझे थोड़ा सा कम कर देना है, 50% कर देना है, ताकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बल्कि 40% कर दें, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो ये पीछे वाला जो वो उसका दिख रहा है टेक्स्ट वो नहीं छपेगा। और इसको ऐसे करके हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बयान करनी है। कंट्रोल जे करके इसका एक डुप्लीकेट लिया मैंने, यहाँ ले लिया, कंट्रोल टी करके उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, क्लिक करके अप्लाई कर दिया, कंट्रोल जे करके फिर एक और डुप्लीकेट ले लिया जो मैंने के थोड़ा इसका ऊपर लेके यहाँ पे इस तरह से रख दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस करके रखता है यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से, और ये ऊपर वाला जो है थोड़ा सा आगे करके हमने यहाँ पे रख दिया, कंट्रोल जे करके एक और ले लिया, इसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे इस तरह से रख दिया, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा नजर आए। और ये वाला जो है हमने ले जाके ये वाला तो इधर ही रहने दिया, ये वाला क्लिक करके इसको हमने उठा के सपोज टू बी यहाँ पर एक और यहाँ पे ऐड कर दिया इसके फेस के जस्ट थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल एस कर दिया। तो ये देख रहे हैं शेप इसके ऊपर बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे शेप्स पे जैसे जाहिर हो रहे हैं तो हल्के हल्के से जाहिर हो रहे हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर से भी जो ये ऊपर वाला शेप है या फिर ये वाला शेप है या फिर ये वाला शेप है, इसका एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले लिया और इसको लेके यहाँ पे सेट कर दिया। ये इस तरह से लगा देते हैं हम इसको, यहाँ लगा देते हैं। तो फिर ये जो बीच वाला है ये वाला उठा के हम ऐसे करके सेंटर में कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा एक डिज़ाइन इस तरह का बन जाए कि ये एक सेंटर में आ गया और दो थोड़े साइड्स में। तो ये इस तरह पे आ गया, जो ऊपर वाला है भी ये वाला, इसको थोड़ा सा लेफ्ट का बटन दबा के यहाँ आगे ले आते हैं, लिख देते हैं। और जो ये अब रह गया है बीच वाला ये वाला, इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि इस तरह का कुछ शेप इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये हमने इसके ऊपर कर दिया। अब इनके ऊपर अगर कोई इफेक्ट लगाना है आपने, जैसे कि मुझे इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है साइड राउंडिंग्स पे, ये जो मैंने बनाया ऊपर वाला एडमिशन वाला, तो ये एडमिशन वाला ये वाला नीचे वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके यहीं पर एक इफेक्ट लगा देता हूँ उसके साथ, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे करने के बाद मैंने इसके साथ इफेक्ट लगाना है, तो अभी इफेक्ट आपने सीखे नहीं तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से अगर इसको ड्रॉप शैडो देना है तो ड्रॉप शैडो दे दें हल्का हल्का सा, और स्ट्रोक देना है तो यहाँ से क्लिक करके स्ट्रोक दे दें, क्लिक करके यहाँ से एक वाइट कलर का स्ट्रोक दे दें इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से इसका आउटसाइड थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, ताकि ये स्ट्रोक थोड़ा सा इम्प्रूवाइज नजर आए। ओके करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके अब इनके जो है आपने टेक्स्ट जो लिखना है वो क्लिक करके यहाँ से ऐसे क्लिक करें। अब टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक किया आपने और यहाँ पे आपने जो टाइप करना है दिख ही नहीं रहा, तो स्केप कर दें। तो टेक्स्ट के लिए फिर आप क्या करें, यहाँ शेप पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे क्लिक करें और साइड में लिख के यहाँ पे टाइप करें एडमिशन, कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट ऑल करें, यहाँ पर फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, 81 कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करें तो ये ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये टेक्स्ट इसके पीछे छुप रहा है जाके, तो ठीक है जाने दें। इसके बाद यहाँ से कैप ए डी एडमिशन ओपन, ठीक है, 2024 यहाँ पे लिख दिया हमने, और लिखने के बाद कंट्रोल ए कर दे, इसको मूव टूल लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दिया। इस टेक्स्ट को जिस बॉक्स के ऊपर लगा रहे हैं, किस बॉक्स पे लगा रहे हैं, इस बॉक्स पे लगा रहे हैं तो इसके ऊपर रखें, ताकि आपको आइडिया रहे कि इसके आगे नजर आएगा। कंट्रोल टी करके अल्टर शिफ्ट करके इसको इसके साथ इस तरह से एक्सटेंड कर दें और यहाँ पर नजर आएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरह से दिखा रहे हैं, क्लिक कर दें यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है कलर। ये इस कलर के ऊपर दूर से भी आपको कंट्रोल जीरो दबाएंगे तो ये आपका व्यू नजर आ रहा है, दूर से बिल्कुल सेट नजर आ रहा है। तो टेक्स्ट तो इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ गया है और सही लग रहा है, ठीक है। अब इसके साथ टेक्स्ट को थोड़ा सा मतलब मेरा ख्याल तो सही है, ये येलो के साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन रहा है, और दूर से देखें सही नजर आ रहा है आपको ये एडमिशन ओपन 2024, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके साथ रखने की वजह ये थी कि हम इन दोनों को सेलेक्ट करके लिंक भी कर सकते हैं और एक ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट इसका यहाँ गया। अब जो दूसरा टेक्स्ट है जो हमको आपको इसमें लिखने हैं, उनके लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल जे दबाएं किसी का, इसका लेयर आ जाएगा,
और अब इसके ऊपर क्या लिखना है, इस टेस्ट का जो डुप्लीकेट आया है इसको इसके ऊपर रख लें, क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से इसकी कॉपी को मूव करा के यहाँ ले आए। अब इसमें हमें लिखना है मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग लिखना है, तो यह हमने लिखा ग्राफिक्स, ग्राफिक्स और फिर डिजाइनिंग, ठीक है। तो अब ये हमारे जो बॉक्सेस हैं ऊपर नीचे सेट हुए हैं डिजाइनिंग, DESIGNING डिजाइनिंग। लिखने के बाद क्लिक करेंगे सेलेक्ट को, थोड़ा सा मूव करें इसको, थोड़ा कंट्रोल टी करें इसको, ऑल्टर के साथ इसे स्ट्रेच करें थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऑल्टर के साथ ए से थोड़ा सा कम कर दें ताकि वो बॉक्स के अंदर आपको अपने आप को शो करे, ठीक है। ज़्यादा अंदर हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा और जूम करके थोड़ा सा ऑल्टर के साथ इसको थोड़ा खोलें, आई थिंक सो ये बेहतर रहेगा इसके ऊपर। और यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो ये देखें इसके ऊपर लिखा आ रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इसके ऊपर टेक्स्ट का जो हमें सेट करना है कलर, तो इसके लिए हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस लेंगे यहाँ से, और इसके ऊपर दो इफेक्ट यूज करेंगे, कलर ओवरले का जिससे हम इसके अंदर कलर भरेंगे व्हाइट, और इसकी आउटलाइन यूज करेंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक यूज करेंगे ब्लैक कलर का, और इस पर थोड़ा सा ये बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा सा दूर से ही उठा हुआ नजर आए। ओके कर दें, कंट्रोल जीरो दबाएं, देखें दूर से नजर आ रहा है आपको, सही दिख रहा है, तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिक करके अगला बॉक्स देख लें, ये वाला है आपका, कंट्रोल जे कर दें यहाँ से, डुप्लीकेट करें और उस बॉक्स के ऊपर ये टेक्स्ट रख लें, और उसमें आपने लिखना है वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग लिखने के लिए आपने यहाँ से इसको मूव किया टेक्स्ट को, क्योंकि डुप्लीकेट तो है ना इसका, और इसमें आपने जाके टेक्स्ट को लिया और यहाँ पे क्लिक किया VIDO वीडियो। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, और एडिटिंग सीधा सीधा लिख दें एडिटिंग। तो ये देखिए इस तरह से ये ऐड होके इसके ऊपर नजर आने लग जाएगा, तो ये देखिए वीडियो एडिटिंग का भी आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये इस तरह से इसके ऊपर फिक्स हो गया। इसके बाद आपने अगला बॉक्स देख लें कौन सा है, ये वाला है। अब इस पर क्या लिखना है आपने, तो यहाँ पे लिखना है फोटो एडिटिंग, तो यहाँ पे कंट्रोल एच दबाया आपने और इसके ऊपर ले गया आपने, क्लिक किया और यहाँ से टेक्स्ट को मूव करके आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसे इसको क्लिक किया कंट्रोल ए PHOTO फोटो EDITING एडिटिंग, तो ये आपने इस तरह से लिख दिया, और ये देखें इसके ऊपर फोटो एडिटिंग भी लिखा हुआ आ गया, समझ में आ रही है ना बात। अब उसके बाद यहाँ पे वेब डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग लिखना है, तो फिर आपने अगला बॉक्स आपने देख लें कौन सा ये वाला है, तो यहाँ पर आपने लिखना है फ्रीलांसिंग, तो यहाँ पे ले जाके आपने क्लिक किया और यहाँ से टेक्स्ट को मूव कराया, यहाँ पे फ्रीलांसिंग लिखना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया FREE फ्री LANCING फ्रीलांसिंग, क्लिक कर दिया आपने, और ये देखिए इसके ऊपर इस तरीके से नजर आ रहा है, कंट्रोल जे दबाइए, फिर आपने लिया अगला ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर और यहाँ पे रख के आपने इसको इस तरीके से टेक्स्ट को मूव कराना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो कराने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ मूव करा लिया, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है इसके ऊपर, वेब डिजाइनिंग लिखना है, तो यहाँ पे WEB वेब इंटर DESIGN डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये देखिए हमने टेक्स्ट इसके ऊपर डाल दिया, कंट्रोल जीरो करके देखते हैं, सही दिख रहा है दूर से, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत इसमें तो नहीं हो रही, सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी लाइट्स भी इसके पीछे से निकलती हुई आए, एक एक बॉक्स के पीछे से। तो ये मेरा पहला वाला बॉक्स जो है एडमिशन वाला बॉक्स है, ये वाला, ठीक है, ये एडमिशन वाला बॉक्स है मेरा, नहीं ये फ्रीलांसिंग वाला बॉक्स है, सॉरी एडमिशन वाला बॉक्स कौन सा है मेरा, ये वाला एडमिशन वाला बॉक्स। तो अब इन बॉक्स के नाम भी रख लो, जैसे ये एडमिशन वाला बॉक्स है तो इधर एडमिशन लिख दो, और ये वाला कौन सा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, तो GFX रख दो इसका नाम, GFX, ठीक है, ताकि ये पता रहे कि हाँ भाई GFX वाले बॉक्स में भी यहाँ पे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन हल्की सी लाइट पीछे से निकल कर आए तो मजा आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे आउटर ग्लो का इफेक्ट, और उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ब्लू कलर की लाइट मारते हैं इसके ऊपर, तो ब्लू कलर यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, और लाइट मारने के लिए हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा साइज को इंक्रीज किया, तो ये देखिए हल्की सी लाइट निकल के आ रही है इसके पीछे से। अब इस लाइट को जो है साइज के साथ स्प्रेड को थोड़ा बढ़ाया हमने, तो इस तरह हो गया, और ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम किया तो इस तरह से हो गया, उसको नॉर्मल मोड पे रख के हमने थोड़ा सा इसका साइज कम किया, ठीक है, तो इस तरह से ये आ रहा है निकल के, और इसका जो स्प्रेड है वो हमने कम किया, साइज को एक्सटेंड किया, तो ये देखिए हल्की हल्की सी लाइट इसके पीछे से निकल के आ रही है, ऑपेसिटी थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, तो ये देखें लाइटिंग इफेक्ट इसके पीछे क्रिएट हो गया। अब अगर आप मुझे थोड़ा बताएं ये ब्लू इफेक्ट सही लग रहा है, या हम इसकी जगह पे एक पिंक इफेक्ट लगाएं, तो ये मैंने ब्लू कर दिया, चलें ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है, ये इफेक्ट सही लग रहा है, ये देखें ये इफेक्ट, हाँ ये देखें ये इस तरह का, ये वाला सही है, येलो के साथ कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है, ये वाला सही है, ये इसके साथ कंट्रास्ट में भी आ रहा है, क्लिक कर दिया इसको, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब ये एक इफेक्ट आपने इस पे दिया, इसी इफेक्ट को सब पे लगाना है, राइट बटन दबाएंगे इसके ऊपर, कहेंगे कॉपी लेयर स्टाइल, और इस पे क्लिक करेंगे राइट बटन दबा के पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है, और फिर इस पे जाएंगे क्लिक करेंगे राइट बटन दबा के पेस्ट लेयर स्टाइल, फिर राइट बटन दबा के इसके ऊपर राइट पेस्ट लेयर स्टाइल, फिर राइट बटन दबा के इसके ऊपर भी पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है, और ये देखिए सबके पीछे आपकी लाइट्स नजर आने लग गई।
तो किसके पीछे, सबके पीछे आ रही है। तो ये देखें आपका एक अच्छा सा इफेक्ट हो गया, कंट्रोल जीरो करके देखें कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। तो इस तरीके से आप इस पोस्टर का जो है ये वाला हिस्सा इस पे क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपको इस तरह से बनाने में आपको हेल्प करेगा। बाकी रह गया ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्यूटर, जब ये थोड़ा सा आप खुद ट्राई करें फिर आपको आइडिया हो जाएगा इसके हवाले से।